अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द reasons कि आपका अभी तक कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। आज मॉर्निंग में स्नैप का रिजल्ट आया, काफी सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर हमने तो पढ़ाई भी की थी, मेहनत भी की थी, उसके बाद भी हमारे स्नैप में रिजल्ट नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉन्स्टेंट लेवल पे हर एग्जाम में हम लोग फेल होते जा रहे हैं। हमारा कैट में कुछ नहीं हो पाया, जैट हम क्रैक नहीं कर पाए, IFT से हमें कॉल नहीं आने वाली है, हमारा NMAT भी खराब हुआ और स्नैप में भी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं आई है। मैंने तो मेहनत की थी, मैं तो हार्ड वर्क करता हूं, तो प्रॉब्लम है कहां? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सारे के सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं, एक रियलिटी चेक देने वाला हूं, थोड़ा सा ब्रूटली ऑनेस्ट रहने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, डिड यू इवन स्टडी? जब आप ये बोलते हो कि मेहनत की थी मैंने, तो वो क्या आपने सही में मेहनत की थी? क्योंकि पढ़ाई का मतलब आई गेस आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। आप में से काफी सारे लोगों को ये लगता है कि एक दिन मैंने पढ़ाई करी 2 hours की, मैंने कोई वीडियो देख ली, मैंने 3 hours एक दिन प्रैक्टिस कर ली, इसका मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी एग्जाम के लिए। आपने डेली जब आपको टाइम मिला 30 minutes आपने पढ़ाई कर ली, और कभी आपने कोई मॉक दे दिया, कभी आपने एनालिसिस कर लिया, एंड आपको लगा कि आपने पढ़ाई करी है, बट आई गेस आपको अभी तक स्टडीज का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता है। आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, चाहे मेरे चैनल पे चाहे अदर चैनल्स पे। आपके पास दो टाइप का कंटेंट होता है। मैं जब वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी टीचिंग वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी है, 6 hours की रिवीजन वीडियोस होती हैं, और इसके साथ ये भी वीडियोस होती है, टॉप कॉलेजेस कट ऑफ वर्सेस परसेंटाइल, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड आप लोगों का फोकस रहता है हमेशा और हमेशा स्ट्रैटेजी पे। मैं बहुत बार आपको ये बात समझा चुका हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि पढ़ाई करो और एग्जाम क्रैक करो, लेकिन नहीं, हम लोग सुबह से रात तक ये देखेंगे इतने क्वेश्चन करने पे ये परसेंटाइल आएगी, इतने अगर मैं अटेम्प्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड स्कोर आ सकता है, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन करोगे कुछ नहीं, बस पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक डिस्ट्रैक्शन के आपको रीजन चाहिए। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको बार बार गिल्ट ट्रिप हो जाता है, आपको लगता है मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब क्या करूं, चलो चलो YouTube पे चलते हैं, कोई नया स्टडी प्लानर देखते हैं, कोई 30 डेज का प्लान देखते हैं, कोई 45 डेज की स्ट्रेटजी देखते हैं, और उसके बाद हमें लगेगा हमने कुछ तो किया, बट एक्चुअल में उसका रिजल्ट जीरो है। क्योंकि आपका जो स्कोर आएगा वो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, जब वो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उससे आएगा, लेकिन आपको लगता है मैंने अगर 4-5 घंटे YouTube पे स्पेंड करा है, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, तो वाह मैंने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली, बट ऐसा नहीं होता है। हमें एज अ क्रिएटर हर टाइप का कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि YouTube पे हमें रीच भी चाहिए और हर टाइप का स्टूडेंट भी है। और आपको एक बार जब पता चल गया कि टॉपर की स्ट्रेटजी क्या है, आपको जब एक बार मैंने बता दिया कि इस कट ऑफ पे ये परसेंट आएगी, एक बार आपकी स्ट्रेटजी बनवा दी, तो सुबह से लेकर रात तक क्या स्ट्रेटजी और टॉपर्स के पीछे भागते रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? बुक ओपन करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करोगे लास्ट 6 months में, 3 months में, 9 months में, 1 year में, आपने पढ़ाई जेन्युइनली करी ही नहीं है। आप बस जब मन करता था उसको पढ़ लेते थे, जब मन नहीं करता था तो आपने बहुत फैंसी वर्ड्स निकाल रखे हैं, आज तो मैं उस जोन में नहीं था, मैं तो उस स्पेस में नहीं हूं, मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूं, आज मेरा पढ़ाई का फ्लो नहीं बन रहा है, और ये रीजन दे के आप अपने आप को हमेशा बैकआउट करते हो पढ़ाई करने से। बट जो सिंसियर स्टडीज होती है, जो एक टॉपर का एटीट्यूड होता है, और जिस वजह से एक टॉपर अपने एग्जाम्स को क्रैक करता है, वो है डिसिप्लिन। आपका मन करे चाहे नहीं करे, आप एग्जॉस्ट हो या नहीं हो, आपने क्या किया पूरे दिन में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा जो टॉपर है, जो सिंसियर है, जो रिजल्ट लेके आता है, उसको ये पता है मुझे हर दिन पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली फिर अगले 6 दिन कुछ नहीं कर रहे हो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता आज पढ़ लिया नेक्स्ट डे सोच रहे हो चलो यार कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, प्रोकेस्टिनेट कर दो। कोई भी आप टॉपर से बात कर लो, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, आपके भी बहुत सारे सीनियर्स होंगे, वो आपसे एक ही बात बोलेंगे, भाई पढ़ाई डेली करोगे तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि कैट, जैट, IFT, स्नैप, ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये भाई पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक सिंसियर तरीके से मांगते हैं। हर दिन आप चाहे 2 hours पढ़ाई करो, लेकिन वो हर दिन करनी है। एक दिन पढ़ाई करने को आप पढ़ाई करना नहीं बोल सकते। उन स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे, अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई की है, तो आप उन बच्चों को क्या बोलोगे जो डेली बेसिस पे 2-3 hours, 4 hours डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली उनका एक टाइम टेबल है, उनको 1 घंटा वोकैब करना ही करना है, क्वांट्स करना ही है, LRDA करना ही है। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप में से काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं क्वांट्स की बुक ओपन करी और फिर बोलोगे क्वांट्स तो मेरा वीक है, मैंने तो 10th class तक पढ़ी नहीं थी, तो ये सब्जेक्ट बंद कर दो। कितना आसान है ना एक्सक्यूजेस देना, बस इतने से बात बोली और बुक बंद हो गई और पढ़ाई करने की मेहनत लगी नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे आएंगे सर मेरा तो वर्बल बहुत बेकार है, मुझे तो रीडिंग समझ में नहीं आती, न्यूज़पेपर बंद कर दिया और रख दिया। कितना ईजी है एक्सक्यूज देके उस चीज से भागना। लेकिन एक बात बताओ, जब आपने ये गलतियां करी हैं, जब आपने पढ़ाई नहीं करी, तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन प्रॉब्लम क्यों होती है?
उस दिन ऐसा क्यों लगता है मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। एज सिंपल एज दैट। दुनिया भर की स्ट्रेटजी वीडियोस देख लोगे तो भी आंसर यही है कि पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा। और पढ़ाई की डेफिनेशन को ठीक करो। पढ़ाई ऐसा नहीं होता जब आपका मन करे तब पढ़ाई होगी। पढ़ाई एक डिसिप्लिन तरीके से होती है। आप किस स्पेस में हो, कहाँ पे हो, कितना ऑफिस का प्रेशर था, क्या फैमिली फंक्शन था, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो जिसका एक ड्रीम है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, तो उस लेवल का सिंसियर एफर्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपसे वो एफर्ट नहीं लगता है तो भाई फिर सपने मत देखा करो कि मुझे टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, मैं तो 99% लाना चाहता हूँ। रिजल्ट वाले दिन रोया मत करो। आपको एक सिंपल से चीज बता देता हूँ, पूरी दुनिया बहुत ज्यादा रेट करेगी इंटेलिजेंस को, जीनियस को, आईक्यू को, हार्डवर्क को, स्मार्ट वर्क को। मैं बोलता हूँ इस दुनिया में सबसे रेयर और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। और कंसिस्टेंसी डेवलप करना सबसे रेयरेस्ट स्किल है और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। और आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, एक प्रोवर्ब है, एक कोट है जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, एवरीवन मस्ट चूज वन ऑफ द टू पेन्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। और जो आज आपको रिग्रेट हो रहा है ना कि मेरा कैट क्यों नहीं हो रहा, जैट क्यों नहीं हो रहा, आईएफटी क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने टाइम वेस्ट ज्यादा किया है और पढ़ाई कम करी है। आपने हजारों स्ट्रेटजी वीडियोस, कट ऑफ वीडियोस तो देखी है, लेकिन उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए जो आपको स्कोर लाना है, जो कॉन्सेप्ट सीखने, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, जो मॉक्स लगाने हैं, वो आपने नहीं करे। और अगर करे भी हैं तो हाफ हार्टेडली करे, मॉक कर दिया, एनालिसिस नहीं किया। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक तो टाइम वेस्ट है, कॉन्सेप्ट आएगा तो पेपर कर ही लेंगे। तो क्या वो टॉपर जो इतने सालों से मॉक दे रहे हैं, इतने इतने मॉक्स लगते हैं, क्या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं। बस आप उस मॉक से डरते हो, आप उससे भागना चाहते हो, इसलिए एक्सक्यूजेस देते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक्सक्यूज, और अगर आप इस एक्सक्यूज को ठीक कर सकते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीमैट, एसआरसीसी, टेस्टनेट को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं, पढ़ाई की डेफिनेशन को सही करो। द राइट डेफिनेशन ऑफ स्टडीज इज कि आप हर दिन मेहनत कर रहे हो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। आप ये नहीं सोच रहे हो जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखूंगा, जब मेरे कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब देखूंगा। और यही रीजन है हर एक वीडियो जब भी मैं बनाता हूं किसी भी प्लानर की, उसमें डे बाय डे आपको टारगेट देता हूं। आप अपना टाइम टेबल बनाओ लेकिन उसको फॉलो करो। और यही रीजन आपने चैनल पे देखा, हर टाइप का कंटेंट आता है, लेकिन आपको देखना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए कट ऑफ कॉलेज परसेंटाइल देखना इंपॉर्टेंट है, या क्वांट्स की जो 6-6 घंटे की रिवीजन वीडियोस है, करंट अफेयर्स की जो 6 आवर्स की रिवीजन वीडियोस है, वोकैबुलरी की, एलआर की जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस है, वो देखनी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन आपका है। और एक चीज ध्यान रखो, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट जो है वो सिर्फ इंडिकेशन है आपका क्या एटीट्यूड था, आपकी क्या कंसिस्टेंसी थी, आपका क्या डिसिप्लिन था इन द लास्ट 3, 6 और 9 मंथ्स। तो फिर बाद में मत रोया करो, बाद में रिग्रेट मत करा करो कि मेरा क्यों नहीं होता। आपका सिर्फ इसलिए नहीं होता भाई क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन आप वो गिल्ट ट्रिप नहीं लेना चाहते। तो आप अपने आप को रियलाइजेशन देते रहते हो, मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी है, जबकि जब आप 4 घंटे बुक लेके बैठते हो उसमें से 3 घंटे आप शायद सोशल मीडिया या यूट्यूब पे वेस्ट करते हो। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि यार वो गलतियां ठीक करके मुझे मेहनत करनी है, तो अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है सीमैट एसआरसीटीस का, उसकी डिटेल वेबसाइट पे, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होगी। अदरवाइज चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा फ्री कंटेंट है, इस सारे कंटेंट को खत्म करो एंड उसके बाद लेजिट तरीके से हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करो, हर एक टेस्ट को अपीयर करो, मॉक को एनालाइज करो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर आपने मेहनत करी है, हर दिन आपने एफर्ट डाला है, तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपनी मेहनत के साथ ऑनेस्टी नहीं हो, आप अपने आप को ही चीट करते हो, और आप उस पढ़ाई करने के जो मेहनत लगती है उससे भागने के सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देखते हो। तो एक टॉपर की जो डेफिनेशन स्टडीज की वो यही है, हर दिन पढ़ाई करनी है। जोन, फ्लो, कनेक्ट, ये सब बेकार के वर्ड्स होते हैं। जब आप हर दिन मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आएगा, और जब आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा, आपकी वो कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और आप अपने एग्जाम्स को क्रैक भी कर पाओगे। आई होप आपको यहाँ से एक रियलिटी चेक मिला होगा। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमेशा ये लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो पेपर डिफिकल्ट था, मेरा तो स्लॉट टफ था, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आपकी मेहनत अगर तरीके से है तो आप कोई भी एग्जाम एक सिंसियर एफर्ट के साथ क्रैक कर सकते हो। सारी रिविजन वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, जस्ट सर्च करो क्वांट्स स्टडी बस, एलआरडी स्टडी बस, वर्बल स्टडी बस, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, उनको देखो। मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, लेकिन एक सिंसियर तरीके से मेहनत करो। और जब रिजल्ट नहीं आता ना और आपकी मेहनत नहीं होती, तो फिर रोया मत करो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे दोस्त का क्यों हो गया, क्योंकि उसने तुमसे ज्यादा मेहनत करी थी और आप अपना टाइम वेस्ट करते रहे, कर रहे हो, और अगर करते रहोगे तो आगे वाले एग्जाम्स भी आपके क्रैक नहीं होंगे। विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।